साथियों नमस्ते। एक नए फ्रेश ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है और शाम का समय है। आप पीछे देख पा रहे होंगे यहाँ पर सूरज जो है अभी ढलने वाला है, थोड़ी बहुत देर में ढल जाएगा क्योंकि समय हो चुका है 5 बजने के आसपास का। और मैं इस समय आप देख पा रहे होंगे मैं बाइक पर बैठा हूँ आराम से और यहाँ पर है बहुत सारे खेत और जो कि बहुत ही मनमोहक व्यू दे रहे हैं। चलिए मैं आपको थोड़ा दूर आगे हट कर उधर दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर से दिखाई दे रहा होगा वो है वहाँ पर कटहल का पेड़। चलिए वहाँ दिखाते हैं आपको। देखिए कटहल को किस तरीके से इसकी पैदावार होती है, आइए आपको मैं दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पर कटहल का पेड़ है और ये यहाँ पर है सरसों जो कि काटने वाली हो चुकी है और ये कुछ समय बाद काट ली जाएगी, जो कुछ आज या कल में इसको जितना भी टाइम लगे काटने में तो ये कटने वाली है। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये है कटहल की पेड़ और कटहल का ये पत्ता जो होता है वो बहुत ही हार्ड होता है, जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर आप देखिए बहुत ही ये मोटा पत्ता होता है और यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर कटहल है, इसमें कटहल तो बहुत सारे लगे हुए हैं जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर ये देखिए ये कटहल यहाँ पर लगा हुआ है और ये देखिए इसी तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है और बहुत सारे यहाँ पर कटहल लगे हुए हैं, लेकिन इसमें कटहल होने की संभावना जो है सिर्फ उन इस चीज़ की होती है यहाँ पर, जो कि बहुत ही हार्ड डाल के साथ जो कि अटैच होता है। इस कटहल के जो है आगे बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। मोस्टली यहाँ पर जो डाल पर बिल्कुल अटैच्ड होता है वो ज़्यादा बेहतरीन और अच्छी तरीके से हो जाते हैं। तो साथियों ये था कटहल का पेड़। उम्मीद है साथियों आपको इस ब्लॉग में कुछ जानने को मिला होगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।